नमस्कार। आप अपनी जिंदगी में बदलाव देखना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू, तो आपको क्या करना होगा पता है आपको? लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग गुरु बनाते हैं, किसी न किसी को गुरु बनाते हैं, अपना मेंटर बनाते हैं। बिल्कुल बात सही है, गुरु बनाना चाहिए हर इंसान को जीवन में, अपने जीवन में किसी न किसी को गुरु बनाना चाहिए। लेकिन आपको पता है, आप किसी को गुरु बना रहे हो उससे पहले, बिफोर टाइम, आप अपने आप का खुद गुरु बनना, तभी आप अपने जीवन में जो सामने वाले आप किसी को गुरु बनाओगे ना, उससे बेटर आप कुछ सीख पाओगे, वो आपको कुछ शिक्षा देंगे ना गुरु, तभी आप उनसे अच्छी तरह से ग्रहण कर पाओगे। आप कहोगे सर दुनिया लोगों को गुरु बनाती है और आप कहते हो कि पहले अपने आप को गुरु बनाओगे, बनाओ। बिल्कुल इट इज राइट। और आज मैं आपको प्रमाण के साथ में, फैक्ट के साथ में बताऊंगा कि खुद को गुरु पहले बनाना क्यों जरूरी है, उसके बाद आप अपने बिजनेस में, आप अपने नौकरी की फील्ड में, आप अपने समाज में, आप अपने राजनीतिक करियर में, आप कहीं पे भी गुरु बनाइए, नो डाउट, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बनाइए, आप उनसे कुछ सीखिए, लर्न करिए, लेकिन सबसे पहले अपने आप को गुरु बनाना। अब अपने आप को गुरु बनाने से क्या होता है पता है आपको? आपने अपने आप को गुरु बना दिया, ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही गुरु बना दिया यार वाह ठीक है मैं खुद गुरु, नो नेवर। गुरु बनाने के बाद में आपको करना क्या है ये देखिए। आप कोई भी एम, कोई भी लक्ष्य ले अपने जीवन में, कोई टारगेट ले, और उस टारगेट का डे बाय डे एनालिसिस करें। जैसे कि आज का पूरा दिन गुजरा आपको सुबह से शाम तक, फिर आप अपने आप को एक कमरे में बंद करो, अकेले, अलोन, फिर अपने आप को बताओ, टेल योर सेल्फ कि आज आपने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। अपने आप को बताओ अकेले में कि आज मैंने अपनी लाइफ में, आज दिन भर में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कहां मैंने टाइम वेस्ट किया, कहां मैंने अपना टाइम यूटिलाइज किया, क्या मैं अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा हूं, नहीं बढ़ रहा हूं, क्या मैंने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, क्या उसके प्रति मैं जा रहा हूं या न जा रहा हूं। अपने आप से पूछना, दावा है मेरा आपसे, जब आप अकेले बंद कमरे में अपने आप को गुरु बनाओगे और फिर अपने आप से पूछोगे अपने टारगेट के बारे में कि आज दिन भर में मैंने मेरा टारगेट अचीव करने के लिए मैंने क्या किया, अपने आप से पूछोगे। अगर आपने बेटर किया, समथिंग गुड फॉर यू, दावा में है मेरा आपसे, आप शाम को हैप्पी होंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, नहीं यार आज मैंने टारगेट अचीव करने के लिए आज इतनी कोशिश की और ये किया और ये किया, अगर अच्छा किया है तो। और अगर आज दिन भर में खाली आपने टाइम वेस्ट किया, अपने टारगेट अचीव करने के लिए कुछ भी नहीं किया ऐसे ही, तो दावा है मेरा आपसे, जब भी शाम को आप कमरे में जाओगे, अपने आप को बताओगे, टेल योर सेल्फ वेन, आप खुद दुखी होंगे, आप खुद सैड होंगे, अरे यार आज मैंने वहां टाइम वेस्ट कर दिया यार, आज मेरे दिन ऐसे ही चला गया यार, आज मैं जो मेरा लक्ष्य पाना चाहता था वो लक्ष्य नहीं पा पाया। आप अपने आप को बताओगे, आप दुखी होंगे, लेकिन जब दुखी होंगे ना, लेकिन फिर वापस आप बंद कमरे में अपने आप को सोचोगे, मोटिवेट होंगे कि नहीं, कल मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, कल मुझे मेरा टारगेट अचीव करने के लिए वो कार्य करने होंगे, और आप अगेन एक एनर्जी, एक उत्साह आपके मन में बढ़ जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है अपने आप को गुरु बनाने का। आप अपने आप को गुरु बनाओगे ना तो ये बेनिफिट होता है, क्योंकि आप स्वयं अपने गुरु हो, आपका गुरु एनी टाइम 24 घंटे सोते उठते बैठते जाते आपके साथ चलेगा। आप कुछ गलत करोगे तो आपका मन अंदर से टोकेगा, क्योंकि आपने अपने आप को गुरु बनाया।
और अगर आप किसी को दूसरे को गुरु बनाओगे तो क्या होगा, या तो आप फोन करके पूछोगे सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, या फिर आप उसके पास जाओगे दूसरे दिन उनसे बात करोगे, वो फिर आपको गाइडेंस करेगा। लेकिन जब आप अपने आप को गुरु मानते हो तो 24 घंटे आपका गुरु आपके साथ में रहेगा और आपको कभी भी गलत करने नहीं देगा, आपको टाइम वेस्ट करने नहीं देगा, आपके आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए कहेगा और आपको आगे चलने के लिए कहेगा। आपका गुरु आप स्वयं बनोगे तो आपके अंतरात्मा अंदर की आवाज आएगी आपके अंदर कि यार नहीं बेटा तू गलत कर रहा है, तेरे को इस रास्ते पे जाना है, तेरे को यह करना है। और सबसे बेटर उदाहरण एग्जाम्पल आप देखना चाहते हो, मैंने कितनी बार बताया, 2-3 बार मैं सेमिनार में भी गया, वहां पे भी बताया, महाभारत का एक पात्र एकलव्य कहते हैं, लोग कहते हैं यार मुझे कोई यार वो इंसान नहीं मिला जो मुझे मतलब टॉप पर पहुंचा सकता था, मुझे जीवन में गुरु नहीं मिला। जो इस बात का रोना रोते हैं वो ये देख लेना एकलव्य के कोई गुरु था नहीं था। जब एकलव्य गुरु के पास जाता है शिक्षा लेने तो गुरु क्या कहता है कि मैं सिर्फ राजाओं के बच्चे को ही शिक्षा देता हूं। एकलव्य ने हार ना मानी और जिस गुरु के पास गया उस गुरु ने सिखाने मना कर दिया, लेकिन उस गुरु की तस्वीर वहां लगाई, मन के मन में रखी और अभ्यास करने लगा, निरंतर अभ्यास करने लगा। और एकलव्य पता है आपको अभ्यास करता था, लेकिन साथ में वो रोज एग्जामिन भी करता था, खुद की परीक्षा भी लेता था साथ में। एकलव्य रोज प्रैक्टिस करता था, रोज शाम को डिस्कस करता था कि आज मैंने कहां गलती की, आज मैं कहां अपने लक्ष्य को चूका और कल मुझे क्या करना है। वो अगेन उस गलती को रिपीट नहीं करता था और रोज प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करता, रोज शाम को अपने आप की एग्जाम लेता, अपने आप को एग्जामाइन करता कि मैं कहां गलत था। वो कोई एग्जाम देने के लिए दूसरी जगह थोड़ी जाता, वो अपना एग्जाम खुद लेता और उसे पता था कि मेरी क्या कमजोरी हो रही है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, और उसके बल पर वो विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बना। तो कहते हैं ना कि बिना गुरु भी आप जब अपने आप को गुरु बनाओगे ना तो आप दुनिया फतह कर सकते हो, क्योंकि रोज आप अपने आप को एग्जामिन करो कि मैं कहां गलत था और मैं कहां गलत नहीं था। जब ये करने लग जाओगे ना तो आपके अंदर ऑटोमेटिक एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह निकल कर आएगा और आप कुछ नया समथिंग न्यू इन दिस वर्ल्ड में कर पाओगे।